हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई मीता बिश्नोई। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसको पेनीवॉर्ट कहते हैं, इसका ये कॉमन नेम है। वैसे ये वाटर पेनीवॉर्ट भी कहते हैं इसको, मार्श पेनीवॉर्ट भी कहते हैं। और पेनीवॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लीव्स देखिए, लीव्स इसकी पेनी के जैसी है। इसको इनफैक्ट डॉलर वीड भी कहते हैं, ये डॉलर वीड, क्योंकि इसकी लीफ की शेप की वजह से। ये देखिए, इसके कई नाम है। कॉमन नेम इसको वाटर पेनीवॉर्ट कह सकते हैं या मार्श पेनीवॉर्ट। वाटर पेनीवॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्शी लैंड में होता है, पानी में होता है, और ये थोड़ी मिट्टी और खूब सारा पानी उसमें सर्वाइव कर जाता है। या फिर ये पेनीवॉर्ट का पौधा ये पानी में भी ग्रो कर जाता है और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है और लो ग्रोइंग है। लो ग्रोइंग मींस कि ये बहुत टॉल नहीं होगा। और आपने इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैं इसकी प्रोपोगेशन भी दिखाऊंगी, इसकी रूट्स भी निकाल के दिखाऊंगी। और ये मिट्टी में लगा हुआ है और मिट्टी इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा गीली रखती हूँ। और नेक्स्ट जो प्रोपोगेशन दिखाऊंगी वो पानी में दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में रहिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो आप ज़रूर उसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि ये पेनीवॉर्ट कैसा पौधा है, क्या लाइक करता है, कैसी सॉइल लाइक करता है, कैसे फ्लावर होते हैं इसके। तो देखिए, इसका लीफ इसकी ऐसी है कि इसके सेंटर से इसके स्टॉक निकलती है। ये ऊपर देखिए, ये देखिए, ये इसकी स्टॉक निकल रही है बीच से एकदम। बहुत ही खूबसूरत इसकी लीफ होती है, डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर की, और ये मार्शी लैंड में, पॉन्ड्स में ऐसे मिल जाता है। इसको हम लोग कैसी लाइट में रखेंगे, इसको हम लोग लाइट में रखेंगे, लो लाइट में भी रख सकते हैं। बहुत तेज सन में तो ये खराब हो जाता है थोड़ा, अनलेस एंड अंटिल ये पॉन्ड में या किसी दलदल में ग्रो कर रहा हो। तो अगर घर में रखेंगे इसको तो अंदर इंडोर भी रख सकते हैं इसको। इसको खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी इसको ड्राई नहीं होने देना है। ड्राई होते ही ये इसकी लीव्स मुरझा जाती हैं। मार्शी लैंड का है ये पौधा। और इसमें फ्लावर में जो बोल रही थी, फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर के भी ऐसे डेलिकेट स्टॉक्स निकलते हैं और उसमें थोड़े क्लस्टर में वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आए हुए, और अगर आएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम अगेन वीडियो बना के आपको डालूंगी उसमें, और वो भी खूबसूरत लगते हैं फ्लावर्स। मगर इसका तो फोलिएज ही इतना ब्यूटीफुल है, और इसको अच्छे से किसी प्लांटर में लगाया हो, इनडोर रखा हो, तो ये वैसे ही बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि इसको आप क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसको NPK 20-20-20 थोड़ा डाइल्यूट करके दे सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो अगर आपने इसको थोड़ा मड में लगाया हुआ है तो आप उसमें थोड़ी सी वीड भी डाल सकते हैं लिक्विड करके, या कुछ नहीं मिलेगा तो आप थोड़ा नीम कली, बोन मील, ये सब लिक्विड करके वो डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी चलेगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता, ये पानी मांगता है। और इसके बारे में और मैं बताती हूँ कि ये थोड़ा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है, मगर मैंने कभी इसको और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया है सिवाय ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के लिए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोपोगेशन कैसे करेंगे। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ये देखिए, मैंने ये डबल कंटेनर रखा हुआ है, और मैं क्या करती हूँ इसको, वैसे जनरली ये जैसे ये कंटेनर है इसमें भी पानी रखती हूँ, या फिर ये जैसे ये कंटेनर लिया और इसमें पानी डालती हूँ, ओवरफ्लो करके इसमें आ जाता है पानी, तो ये पानी हमेशा कैपिलरी एक्शन से इसमें जाता रहता है। तो ये पानी यहाँ भर के डालते हैं, नीचे से ड्रेन होता है, मगर इस कंटेनर में पानी रहता है। अभी तो मैंने कई बार इंडोर रखती हूँ तो मैं इसको इसके अंदर रखती हूँ ऐसे करके, डबल कंटेनर
इसमें भी पानी रहता है, ताकि इसमें पानी कभी भी कम ना हो पानी। तो आप देखते हैं इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। ये देखिए, अब इसको हटा देती हूँ मैं। इसको हाफ में डिवाइड करके पानी में डालेंगे इसको। तो इसको यहां से ले लेते हैं, आपको लगेगा ये डिस्टर्ब हो रहा है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोबारा आ जाएगा। इसका हाफ निकालते हैं हम लोग। देखिए कैसी इसकी टेंडर टेंडर स्टेम्स होती हैं। बहुत धीरे से करना पड़ रहा है मेरे को। इसकी रूट थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, ये देखिए। इसको मैं इसको क्या करूंगी, रूट्स के साथ इसको अब पानी में डाल दूंगी। इसमें ऑलरेडी वाटर है, इसमें ऑलरेडी वाटर है, तो ये पानी में ग्रो करेगा। ये देखिए ये पानी में ग्रो करेगा, और इसको हम लोग वाटर कर देंगे। इसको थोड़ा सा इसकी रूट्स, ये देखिए रूट्स इसकी निकल आई हैं। ये देखिए ये फाइब्रस रूट्स कैसी हैं। बस इसको ऐसे दबा के, छोटा सा पौधा दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अब इसमें अच्छे से पानी डालेंगे ताकि ये हमारा स्पॉइल ना। देखिए इसको जब वाटर करेंगे तो इतना वाटर करिए कि ये नीचे से निकल के आ जाए, और ये इसका नीचे का जो कंटेनर है ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, चौड़ा, ताकि ये कंटेन कर सके वाटर। और इसमें से देखिए ड्रेन करके आ गया है नीचे पानी। ये मैंने इतना पानी डाला है कि इसमें से ड्रेन होके नीचे आ गया है, ये देखिए। और ये इसी में रहेगा, और इसको और थोड़ा ज़्यादा भी पानी रख सकते हैं ताकि ये हमेशा पानी में ही रहे। अच्छा अब मैं देखती हूँ ये बेबी प्लांट है, ये देखिए जो ये दो बेबी प्लांट निकले थे, इसको मैं छोटे से इसमें डाल देती हूँ। देखती हूँ कब तक ग्रो करता है ये, कितना बड़ा होता है। अच्छा जो ये पानी में आप ग्रो करते हैं, जैसे मैंने ये वाला ग्रो किया है, इसका पानी आप हफ्ते में एक बार ज़रूर चेंज कर दिया करिए, ताकि अगर आपको क्लीन रहेगा, पानी भी क्लीन रहेगा, प्लांट भी हेल्दी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा पेनीवॉर्ट का, डॉलर वीड का, तो आप मेरा चैनल लाइक करिए और वीडियो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।